भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरमनचक रोड के समीप एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने मंगलवार की शाम छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में कई प्रेमी जोड़े को हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर में बनाए गए केबिन से कई प्रेमी जोड़ों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। हालांकि इन लोगों के पास से किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी राज ने बताया कि उक्त मामले में पुलिस को काफी लंबे समय से रेस्टोरेंट में चल रहे आपत्तिजनक कार्यों की गुप्त सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मंगलवार की शाम महिला पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी की गई और वहां से कई प्रेमी जोड़ों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस रेस्टोरेंट मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि युवक और युवती को पूछताछ के बाद आईडी देखकर वापस उसके घर भेज दिया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को रेस्टोरेंट में संदिग्ध गतिविधि की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद काफी संख्या में महिला और पुरुष जवानों के साथ पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी की। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्मोकलेस रेस्टोरेंट है, जिसके अंदर केबिन बनाकर जो है कपल को दिया जाता है और आपत्तिजनक कार्य जो है वहाँ पे होता है। अब पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी, उसका सत्यापन किया गया और इस संबंध में ही आज महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ में एक रेड किया गया है, और जिसमें कुछ लड़के लड़कियाँ भी थी वहाँ पे उपस्थित थे, जिनको पीआर बॉन्ड पे उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। और जो रेस्टोरेंट है उसमें एक उनके मालिक और जो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिला विधिक संघ में 18 मई को 11 अलग अलग पदों के लिए चुनाव संपन्न होना है, जिसमें कुल 2791 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि इसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने और जीत को लेकर नामांकन पर्चा भी दाखिल कर रहे हैं। मंगलवार को डीबीए में नामांकन के अंतिम दिन कुल 119 उम्मीदवारों ने निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गौरतलब हो कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए 16 और महासचिव पद के लिए 10, संयुक्त सचिव पद के लिए 23, सहायक सचिव पद के लिए 15, कोषाध्यक्ष पद के लिए 5, वरीय सदस्य पद के लिए 10, अंकेक्षक पद के लिए 4, कार्यकारिणी सदस्य के लिए 20 और पुस्तकालय समिति के लिए 3 एवं निगरानी समिति में 6 लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश की है। डीबीए चुनाव में महासचिव पद को लेकर चर्चा जोरों पर है, जहां एक तरफ निवर्तमान महासचिव विमल कुमार मंडल और दूसरी तरफ एक्साइज पीपी भोला कुमार मंडल के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। इस दौरान सभी उम्मीदवारों ने अपनी जीत को लेकर दावा भी किया है और अपने पक्ष में मतदान करने की अधिवक्ताओं से अपील भी की है। वहीं निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी हिंदी में महासचिव कहते हैं, इसके लिए मैं नॉमिनेशन किया। आप ये बताइए, इनसे पहले भी आप जीते हुए थे, जीते हुए अपने कार्यकाल में काम क्या क्या किया, जो वादा किए थे क्या वो वादा पूरा हुआ? नहीं करते, उस समय वादा किए थे मैं रखता हूँ, वादा नहीं करते, इरादा वादा नहीं करते हैं, इरादा रखता हूँ और मजबूत इरादा रखता हूँ। पहला बात है कि जैसे ही हम पहले अराजक स्थिति बाहर लूट पाट मारपीट डेली यहाँ होता था, विगत 1.5-2 साल से लगता नहीं था कि अब भाग यह जो है यहाँ वकील लोग बैठते हैं, कि वकील लोग का जो रवैया था आपस में कुछ लोगों का ही रह रहा है, तो रोज मार पीट लाठी डंडा चलता है। जैसे ही हम जीते वो चुनाव कराना भी नहीं चाहता था, 1.5-2 साल के बाद चुनाव हुआ और यहाँ के जो विद्वत जन अधिवक्ता गण हैं मुझको चुना। चुनने के बाद पूरा शांत वातावरण हुआ, न्यायालय का कार्य भी शांतिपूर्वक चलने लगा, किसी तरह का मरमरी किसी तरह का जीतने के बाद
एक वातावरण मिला यहाँ के लोगों को कालक करने का, शांतिपूर्वक न्याय दिलाने का और उनके लिए विश्वास कर। जिला विधिक संघ भागलपुर के सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं, आप हमको मत दें। जिला विधिक संघ जो है संविधान से चलेगा, लाठी से नहीं चलेगा। महासचिव पद के लिए हम अपना नामांकन आज दाखिल किए। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि पहले तो जिला विधिक संघ संविधान से चलेगा, दूसरा यही चाहेंगे कि मान और सम्मान पूरे अधिवक्ताओं का बरकरार रहे, झुके नहीं सिर, इसके लिए काम करें। महासचिव पद के लिए क्यों देगा लोग आपको वोट? क्यों देगा? क्योंकि कुछ नवीनीकरण होना चाहिए। क्या करेंगी? जब बन जाऊंगी तो फिर यहाँ अधिवक्ताओं के कल्याण के हित में काम करूंगी। महिलाओं के लिए विशेष क्या? महिलाओं के लिए यही है कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे कि बैठने का सीटेड है तो, और फिर शौचालय वगैरह है, तो ये सब जूनियर अधिवक्ता जैसे है तो वो सब जैसे स्टार्टिंग में आती है तो सीनियर के पास रहती है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ आने के बाद जो है हम उसको फिर मतलब कुछ स्टार्टिंग में उस ताकि वो प्रैक्टिस कर सके उसको कुछ मतलब डीबीए के तरफ से जो है राशि दिया जाएगा। भागलपुर पोक्सो कोर्ट के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने बीते सोमवार को नाबालिग से जबरिया शादी कर दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त पप्पू सिंह को 10 साल की सजा के साथ साथ 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटने की भी बात कही है। मामले में सरकार की ओर से बहस में भाग लेने वाले विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार राम ने बताया कि कोर्ट ने बीते 29 अप्रैल को ही अभियुक्त को दोषी करार दिया था और सजा की बिंदु की अगली तिथि 6 मई दिन सोमवार तय कर दी थी। आज कोर्ट ने 2 धारा में अभियुक्त को जुर्माने के साथ साथ सजा भी सुना दी। उन्होंने बताया कि मामला 6 वर्ष पुराना सनौला थाना कांड संख्या 71/2018 से जुड़ा हुआ है, जब अभियुक्त पप्पू सिंह ने 17 अप्रैल की रात 9 बजे अपने गांव दोगच्छी से एक नाबालिग को शादी की नीयत से भला फुसला कर अपहरण कर लिया था और फिर उसे रांची ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मामले में लड़की के पिता ने अगली सुबह सनौला थाने में पुत्री के अपहरण की लिखित शिकायत देते हुए पप्पू सिंह को नामजद किया। पिता की शिकायत पर पुलिस द्वारा अपराधी पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट के मुताबिक पप्पू सिंह कुख्यात अपराधी रहा है जिस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। अपराधी की आपराधिक फेरिस्त भी काफी लंबा है, जिसकी दबंगई का खौफ इतना था कि वह पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसके भाई से पहली दफा तो पीड़िता ने भी अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देख कोर्ट ने पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाया और कुल 8 गवाहों को जबरन बुलाकर एग्जामिन करा। अभियुक्त के अपराध को प्रूफ करते हुए 363 में 3 वर्ष और पोक्सो की धारा 4 में 10 वर्ष की सजा के साथ 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भी सुनाई है और नाबालिग को बतौर मुआवजा 3 लाख रुपए की राशि भी सरकार की ओर से देने की बात कही है। पप्पू सिंह को जिसमें 363 और 4 पोक्सो एक्ट के तहत 363 में जो हुआ 3 बरस का सजा और 4 पोक्सो एक्ट में 10 बरस का सजा, यानी 2 धारा में सजा हुआ। धारा 4 पोक्सो एक्ट में 376/4 पोक्सो एक्ट और 363 IPC में सजा। कौन सा थाना? ये थाना था सनौला कांड संख्या 71/18 और पोक्सो केस नंबर था 1720। क्या हुआ था इस मामले में? घटना है क्या, 17/4/18 को जो है सूचक जो है शेखर सिंह के बेटी को जो है सनौला का दो कच्ची से जबरदस्ती जो है एक पप्पू सिंह जो है लेकर के चला गया था। अब लेकर के घोगा चला गया, घोगा ले जाने के बाद पूरे रांची ले गया, रांची में ले जा करके उस लड़की के साथ बलात्कार किया। अब बलात्कार करने के बाद वो पप्पू सिंह एक काफ़ी नामी कुख्यात आदमी है, काफ़ी क्रिमिनल आदमी है, उसको पुलिस पकड़ा। वो डर से गवाह भी नहीं दे रही थी लेकिन ज़बरदस्ती जो है उसको गवाह को हमने बुलाया और टोटल 7 गवाह को, इसमें 8 गवाह को हमने एग्जामिन करवाया।
एग्जामिन कराने के बाद ये केस को हमने प्रमाणित करने का पूरा कोशिश किया, प्रमाणित करके दिखा दिया। लड़की का उम्र भी जो था, शिक्षक आकर करके उन्होंने बताया कि लड़की का उम्र जो है 16 वर्ष से कम है, इसलिए आज जो है 29/4 को जो है इसको 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया, आज इसको सजा गया। मेडिकल हुई थी, मेडिकल में जो है, मेडिकल में हालांकि पाया गया, मेडिकल में भी पाया गया इसका जो है कुछ रेप हुआ मेडिकल में भी। अब मेडिकल में एज जो एसिस्ट किया गया 14 से 16 बरस तक, उसके एसिस्ट किया गया उसको। पप्पू सिंह का पहले भी आपराधिक हिस्ट्री है क्या? पप्पू सिंह का पहले भी आपराधिक इतिहास था, डर से उसके कोई जो गवाह नहीं देना, इस पर 50,000 का इनाम भी था। इस ढंग का आज जो है काफ़ी इसको कोर्ट जो है जे 7th ADJ लवकुश कुमार के कोर्ट में सजा हुआ। अब मेरा नाम नरेश प्रसाद राम हुआ। पीड़िता को सर कुछ मुआवजा, मुआवजा जो है 3 लाख रुपया मिला विक्टिम को। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में उत्पाद 2 के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने 30A शराब मामले को लेकर सुनवाई की, जिसमें एक नामजद को बाइज्जत बरी कर दिया। दरअसल कांड संख्या 593/23 में सबौर पुलिस ने 2 नवंबर को देसी शराब के साथ मिर्जा चौकी निवासी मिथिलेश कुमार उर्फ अखिलेश यादव और चुन्ना मंडल को गिरफ्तार किया था। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मोना गुप्ता ने अपनी दलील पेश की और गवाहों की स्थिति के बाद आरोपी मिथिलेश उर्फ अखिलेश यादव को कोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। इस उपलब्धि को लेकर अधिवक्ता मोना गुप्ता ने बताया कि पुलिस के FIR में 14 लीटर देसी शराब पिट्ठू बैग में मिर्जा चौकी से लाने की बात कही गई, लेकिन जब्ती सूची पुख्ता नहीं पाए जाने पर अदालत ने उन्हें निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत रिहा कर दिया। कोई शराब बरामद नहीं हुई है उसमें। आखिर कैसे आपने इसको तोड़ा? पुलिस के सारे जो है, पुलिस जो है अपने साक्ष्य में कहीं पे किसी ने नहीं लिखा कि ये पिट्ठू बैग से मिला है, ना तो कुछ उसका जब्ती सूची था और न पुलिस ने उसको फंसाया गया। कितने दिन से ये जेल में था? ये 12 दिन जेल में थे और मैं इस अपने वकील को उनको रिहा करवाया। मामला कब का था? ये सबौर थाना का था मामला। कब का था ये? 2023 का था, 15/8/2023।